नमस्कार, वेलकम टू परफेक्ट इन लाइफस्टाइल। माय नेम है शशांक सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि BCAAs एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, BCAAs का मतलब होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। 20 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और बाकी के जो 11 हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। ये जो 20 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 3 होते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो अगर आप देखें, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 3 हो गए BCAA। जो 3 BCAA होते हैं वो होते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलाइन। और इन 3 के अलावा जो बाकी के 6 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही कहते हैं। और जो BCAA होते हैं, ये जो बाकी के 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहलाते हैं। तो 11 तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, जो कि आप जानते होंगे ज़्यादातर किसी भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट में नहीं पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट और सप्लीमेंट की कंपनीज जो होती हैं, वो बाकी के जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं उनको डाल देते हैं, और ज़्यादा मात्रा में ये 3 जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जिन्हें BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं, उनको डाल देती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ प्रोटीन्स पे लिखा होता है 5.5 ग्राम BCAA और 3 ग्राम या फिर 10 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसका मतलब है उन्होंने 5 ग्राम के एसेंशियल अमीनो BCAA डाले हैं, जो कि बाकी के 3 एसेंशियल अमीनो एसिड थे, वेलाइन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन। और जो बाकी के 6 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो उन्होंने जो हैं 10 ग्राम डाले हुए हैं। अब BCAAs करते क्या हैं? देखिए, BCAAs के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए सारे के सारे जितने भी फिटनेस फ्रीक्स होते हैं या फिर आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स और वो होते हैं एथलीट्स होते हैं, वो सब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को प्रेफर क्यों करते हैं? उनके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको बढ़ाने के लिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में तो चाहिए होते हैं। देखिए, आपकी बॉडी जब खाने को अंदर लेती है ना, तो आपके बॉडी उस खाने को ब्रेक डाउन करती है। जैसे कि आपने कोई मीट खाया, तो उसको आपकी बॉडी जब ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो उसको ब्रेक डाउन करने पर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो जब भी आप कुछ खाते हैं, तो अगर वो प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली अमीनो एसिड्स की कमी होती है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, तो उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए आपको अलग से अपनी बॉडी में अमीनो एसिड्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी खुद से उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट में, तो आपको अलग से BCAA भी लेने पड़ते हैं। जो दूसरा बेनिफिट है, उसका ये है कि आपकी मसल्स में जो सोरनेस होती है वर्कआउट के बाद, उसको कम कर देती है। आपकी बॉडी में जो वेयर एंड टेयर होता है, उसको कम कर देते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इसीलिए जो BCAA है, वो आप हमेशा इंट्रा वर्कआउट या फिर प्री वर्कआउट ले लेते हैं, या फिर पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट के आसपास लेने से ये होता है कि जब आपकी मसल्स का वेयर एंड टेयर कम हो जाता है, तो मसल सोरनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि आपने BCAAs कंज्यूम किए थे। आपकी जो एक्सरसाइज से फटीग होता है, इसमें ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की गई हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ से पता चला है कि जो BCAAs लेने पे आपका जो एक्सरसाइज में फटीग होता है, जो स्ट्रेस होता है या फिर जो भी थकान होती है, वो कम हो जाती है। देखिए, जब आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस से ज़्यादा होता है, मतलब जब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन आपने खाया है वो ब्रेकडाउन किया जा रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है वो कम है, तो आपकी बॉडी में जो मसल बन सकती थी वो उतनी यूटिलाइज नहीं हुई और वो वेस्ट हो गई। इसको मसल वेस्टिंग कहते हैं। तो मसल वेस्टिंग को रोकने के लिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड सबसे बड़ा काम करते हैं, इसीलिए लोग BCAAs को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये 3 अमीनो एसिड ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद तुरंत ही आपके बॉडी में वो प्रोटीन को यूटिलाइज कर देती हैं और उनको वेस्ट नहीं जाने देती। इसीलिए BCAAs की आपकी बॉडी में इतनी ज़रूरत होती है। जो लास्ट बेनिफिट है BCAAs का, वो ये होता है कि वो आपके लिवर फंक्शन को अच्छा रखते हैं। देखिए, आपके लिवर कई सारे, अगर आपका लिवर कुछ ऐसा है, आपका लिवर डैमेज्ड है, तो आपका लिवर सही से सारे टॉक्सिन्स बॉडी से नहीं निकाल पाता है, तो उसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का काम आता है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपके जितने भी टॉक्सिन्स आपके लिवर से, वो निकालने में आपके लिवर की हेल्प करते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग परफेक्टिंग लाइफस्टाइल। थैंक यू एंड नमस्कार।